बोले सिद्धांत सब हो सुनो, मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि कहे पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके लखा, तो भी चंचलता मेरे मन की वृत्ति नहीं, समाधान नहीं स्थाई हो कैसे मुझको मिले, कहे तत्श्रुति हो क्या है तब रहता कहाँ, असी कहा जिसे हो क्या ध्यान में बैठता नहीं, देखना चाहो कैसे जो देखे वह कौन है, जानना चाहता हूँ ये यथार्थ मुझको है, मोक्ष इच्छा दर्शन योग नामक अध्याय पहला संपूर्ण हुआ, सर्वांग योग अध्याय दूसरा, यह प्रश्न मुमुक्षु का सुन के श्री गुरु कहे, लक्ष्य सिद्धांत का जो सो निश्चयार्थ स्वरूप के, यही विज्ञान की रीति साक्षात्कार स्वरूप का, इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय है मिले, जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग है, बता से अपने आगे रखना भूलना नहीं, फिर वे देखना से देखना सुख के लिए, ये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्म जाल से, स्थान योग नामक अध्याय दूसरा संपूर्ण हुआ, सर्वांग योग अध्याय तीसरा, स्वरूप वस्तु का देखो देखा सो छर जानना, भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास को, नाम सुकर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है, प्रेम का ये निज स्थान ध्यान के हेतु से कहा, यथार्थ बोध होने को निज मूल स्वरूप का, वस्तु में त्रिपुटी देखी कल्पना से स्वभाव ने, इंद्रियों से दिखता है क्षर सो तत है कहा, त्वम से अक्षर को जाना असी निश्चय नाम है, क्षर में अंग है आठ अक्षर एक अरूप है, जहाँ है भावना दोनों का स्थान वस्तु सो, सतगुरु स्थान दर्शन योग नामक अध्याय तीसरा संपूर्ण हुआ, सर्वांग योग अध्याय चौथा, अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से, आदि में क्षर का भाव देखना निज बुद्धि से, दिखेंगे इसमें भाव आठ भिन्न प्रकार के, ये रूपांतर पाते हैं चक्राकार सदैव ही, अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा, इसे हाथ लगा देखो आता है स्पर्श ध्यान में, ये स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ, इसमें शब्द है स्थाई बजा के कान से सुनो, वैसे ही विश्व में सारे स्थित है शब्द भाव भी, जीभ से लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, ऐसे ही विश्व में भी है रस भाव भरा हुआ, नाक से सूंघ के देखो गंध है इसमें भरा, इसी रीति लखो सारे दृश्य में गंध भी रमा, यहाँ लो पांच तत्वों का सूक्ष्म भेद लखा दिया, इसी में पांच का ब्यौरा पंचीकरण आ चुका, रचना शब्द की सारी पांचों को बदला रही, गुण है इनके आगे वे तीनों सूक्ष्म रूप है,
पांचों ज्ञान इंद्रियों से वे दिखने के नहीं कभी जानेगा मन वे तीनों और उनके स्वधर्म को क्षर भाव स्थित पंचीकरण अनुभव योग नामक अध्याय चौथा संपूर्ण हुआ। सर्वांग योग अध्याय पांचवा। घी के साथ मिला देखो वस्तु में गुण सत्व है संपूर्ण विश्व में भी है ऐसे ही ये भरा हुआ। जल के साथ पीने से वस्तु में गुण है रजो या प्रत्यक्ष दिखेगा वैसे ही स्थित विश्व में अकेली वस्तु खाने से दिखेगा तम है भरा। इसी रीति रहे तीनों गुण संपूर्ण विश्व में जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कप पात बने पित्त भेद से कूदने लगे। इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य है करे। ऐसे आठ ही अंग स्थित है क्षर भाव में इस ही को साम्यावस्था गुणों की सांख्य अखंड मंडलाकार क्षर रूप फिरा करे। संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा यही तत्पद है दृश्य विराट इस नाम से सबों को दिखता है ये प्रत्यक्ष जानते क्षर विराट दर्शन योग नाम अध्याय पांचवा संपूर्ण हुआ। सर्वांग योग अध्याय छठवा। अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरी दिए लखाते हैं इसे लेना श्रद्धा से सात्विकी है। संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में जिस हो रही उसमें जो बैठी हैगी अस्थि भांति प्रियत्व से वेदों के नेति का शेष वस्तु की उपलब्धि हो उसी का भाष सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में ओ मिठास यही आत्मा है निराकार जानना वस्तु के स्वाद में भी वो हरि है प्रिय रूप से मिठास को हुई इच्छा देखो निज स्वरूप में तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप तो दिखेगा विश्व सारा यही उसका स्वरूप है। बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का आंखों से देखना चाहे दिखेगा विश्व रूप ही शब्द स्पर्श नाम रूप रस गंध गुण त्रय आठों का जो लय स्थान साम्यावस्था जिसे गए उसी में जो रहे स्थाई अभिन्न गर्भ रूप से ज्ञानियों को भासती है साक्षित्व भाव से वही यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में नित्य शुद्ध अज स्थाई स्थित है साक्षी भाव से सर्वशक्ति इसी में है ज्ञानी का ध्येय है यही कर्मारंभ जताने को संज्ञात ओम कहे श्रुति अक्षरानुभव योग नामक अध्याय छठवा संपूर्ण हुआ। सर्वांग योग अध्याय सातवा। नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही यहाँ लय को प्राप्त होती है वही सदरूप जानना वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से महिमा सदगुरु की ये निज बुधात है कही अष्टांग क्षर साकार नहीं रूप मिठास में ये दोनों भावना छोड़ो अकेला नाम ही रहा वही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है
अक्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ, दृश्य साकार वो ही है निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है वो, उसको सर्व है कहा। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव के लिए, निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो, समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे, अन्यता मिली उसको वेदों का सार भी मिला। पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय सातवां संपूर्ण हुआ, सर्वांग योग अध्याय आठवां। पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे, अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सहे वही, ये पराभक्ति है श्रेष्ठ मुक्तों का निज धाम है, संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान है। इसी में स्थित होने से रस एक अकंप हो, हुआ मद रूप ही जानो जन्म मृत्यु उसे नहीं, सर्वांग योग स्थाई बीज है दिव्य चक्षु का, इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में, यदि इच्छा से योग क्षेम होवेगा उसका सदा, अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। अध्याय आठ में श्लोक नौ पचास है, आठ अस्सी अठारह सौ अक्षरों में रचा इसे, मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया, ये जहाँ स्थिर हो जाए वही सदगुरु स्थान है। अनन्य भक्ति योग नामक अध्याय आठवां संपूर्ण हुआ, इति भगवान श्री मायानंद चैतन्य विरचित सर्वांग योग संपूर्ण हुआ। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। अल्प रूप में अमृत गीता अमृत सार तीन अध्याय 16 17 और 18 है नी, बड़े प्रेम के साथ जैसे आप लोग सुवा गीत को गाते हो नी, सुवा ददरिया कर्मा है ना, ये गीता अमृत सार बहुत चाव से और लय लगा करके गाना है नी, बड़े प्रेम के साथ में। आइए पहले गीता जी के ध्यान करेंगे सब लोग, है नी, ध्यान करो गीता जी का, कि गीता जी के प्रचारक गीता जी को प्रकट करने वाले कौन है, उनके वंदना करेंगे ध्यान करेंगे। और लगा ले नितान स्वर स्वर देना गीता अमृत सार की। नारायण भगवान ने स्वमुख से जो पार्थ से है कही, जिसको भारत में सुछन